इसमें ना फर्स्ट वन हमने करा था आइडेंटिटी फंक्शन, सेकंड देखिएगा कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन में है अ फंक्शन एफ, अ फंक्शन डिफाइंड एज x belonging to R, y is equal to fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dot dot dot, ऐसे करते करते लास्ट में an x की पावर n, है ना। अगर इस तरीके से कोई भी फंक्शन दे रखा है जहाँ पर एक हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट टर्म हो,
फिर एक x वाली टर्म हो, x स्क्वायर वाली टर्म हो, x क्यूब वाली, x की पावर 4 वाली, ऐसे करते करते x की पावर n तक टर्म्स हो, ठीक है, तो उसको हम पॉलीनोमियल फंक्शन बोल देते हैं। अब पॉलीनोमियल फंक्शन का कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होता। अब ये कहेंगे कि ग्राफ ऑफ अ पॉलीनोमियल फंक्शन depends on its degree क्या होता है कि कितनी maximum power कितनी है उसकी। जैसे मान लीजिए हम ये कहेंगे for example a quadratic polynomial graph is a parabola. एक ऐसी figure जिसको हम parabola बोलते हैं, ठीक है। अब चाहे यहाँ पर आप इस तरीके से x-axis बना लीजिए, तो हमने कहा कि x-axis के about symmetrical हो गई, या ये figure इस तरीके की है, हमने ऐसे y-axis बना दिया, तो हमने कहा ये y-axis के about symmetrical हो गई, तो parabola डिपेंड करेगा कि आपका जो इक्वेशन है, जो भी पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल किस तरीके का दे रखा है। बस कंडीशन ये है कि उसकी जो डिग्री है वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, यानी कि उसकी मैक्सिमम पावर जो है x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 13 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 है, उसमें उन्होंने बोला है डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंगिंग टू आर, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाई यूजिंग दिस डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ। मेरे को उसकी डोमेन और रेंज दोनों बतानी है और फिर उसका ग्राफ भी बनाना है। तो देखिएगा फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है ऐसे दिया जाता है एफ आर टू आर, इसका मतलब क्या है कि हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर होने वाले हैं, एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर होने वाले हैं। तो एफ आर टू आर कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है यहाँ तक 1 2 2 तक दिखाई दे रहा होगा, इसके आगे 3 और 4 भी है, तो 3 और 4 जो है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखिए माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, भाई वाई क्या है एक्स का स्क्वायर, यानी कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। टेबल कंप्लीट कर दी हमने। फिर वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो डोमेन क्या होगा, x की जितनी भी वैल्यूज है वो सब डोमेन है,
डोमेन एक्स की जितनी भी वैल्यूज है माइनस फोर से लेकर प्लस फोर तक, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर, ये तो हो गया डोमेन। अब जो भी इनसे रिलेटेड है वो सारी वैल्यूज जो है वो रेंज है। अब रेंज भी जो है जैसे ना एक्स हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ी वैल्यू तक लिख दिया, उसके बाद जो रेंज है रेंज को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो क्या क्या वैल्यू आएंगे, जीरो वन फोर नाइन सिक्सटीन बस, आगे भी फोर नाइन सिक्सटीन आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं जीरो वन फोर नाइन और सिक्सटीन, डोमेन ये हो गया रेंज ये हो गया डोमेन और रेंज। उसके बाद फिर इसका क्या होगा, हाँ डोमेन वाई वैल्यू था, हाँ तो वाई वाली वैल्यू तो नहीं है ना, ना डोमेन एक्स की वैल्यूज होती है और रेंज जो है वो सारी वाई की वैल्यूज होती है, ठीक है। अच्छा कोडोमेन ये इस वजह से नहीं पूछ रहे क्योंकि कोडोमेन उन्होंने पहले ही दे रखा है ऑल रियल नंबर्स है ना, तो ये तो कोडोमेन है। अच्छा उसके बाद अब इसका ग्राफ बनाना है, एक्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे इसलिए एक्स के लिए इधर भी और इधर भी बराबर जगह छोड़ी है, और वाई में सर पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए जगह छोड़ दी क्योंकि वाई में मैं देख रहा हूँ ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही है, नेगेटिव आई नहीं है, तो वाई में नेगेटिव के लिए ज़्यादा जगह छोड़ी नहीं है। एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इनके ये वैल्यूज हैं ये लिख लीजिए, दो दो के गैप पर लिख लो यहाँ पर, तो सिक्सटीन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दो दो के गैप ले लीजिए, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन और एटीन यहाँ तक ले लो। अब इसके बाद देखिए जब माइनस फोर है तो वैल्यू सिक्सटीन, जब एक्स की वैल्यू माइनस फोर है तो वाई की वैल्यू 16, यहाँ पर डॉट लगा दिया, जब x की वैल्यू माइनस थ्री तो y की वैल्यू नाइन, x की वैल्यू माइनस थ्री तो y की वैल्यू एट और टेन के बीच में रुक जाओ बस, एक्सिस के अबाउट अबाउट वाई एक्सिस ये सिमेट्रिकल है, ये पैराबोला बन गया, और हमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला ही बनेगा, ठीक है। आगे चलता हूँ हाँ, अगर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर होता तो ये जो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बना है यही एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बना, ठीक है। चलिए जी अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 14 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 14 में बोल रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f
x is equal to x cube, x belonging to R. वैल्यू 8
3 पर वैल्यू 27 और 4 पर वैल्यू 64। हम इनको ज्वाइन करेंगे, ये स्केल से ज्वाइन नहीं हो पाएगा, ये फ्री हैंड से ही ज्वाइन होगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ बन गया। आप एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप देख लेंगे, एनसीईआरटी में भी इसी तरीके का ग्राफ यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा या क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, उनका फिक्स्ड ग्राफ नहीं होता। पॉलिनोमियल फंक्शन का फिक्स्ड ग्राफ नहीं होता, वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है। डिग्री 2 थी तो देखिए ग्राफ ऐसा बन गया, डिग्री 3 थी तो ग्राफ इस तरीके का बन गया, डिग्री 4 होगी तो कुछ और तरीके का बन जाएगा। आगे चलते हैं, तो पहला ग्राफ हमने देखा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन में ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद हम ये पॉलिनोमियल फंक्शन देख रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में अलग अलग तरीके के ग्राफ बनते हैं। फिर आगे चलेंगे फिर फोर्थ टाइप है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन उस तरफ कर रहा फिक्स ग्राफ नहीं बनेगा। तो एक एग्जांपल दे रखा है वो देखिएगा, डिफाइन द रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन, एग्जांपल नंबर 15 है। डिफाइन द रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन f बार माइनस u below using
this definition. टेबल हाँ टेबल आती है टेबल पूछी जाती है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो एक्स और है इसमें इन्होंने रियल में से जीरो क्यों हटा दिया है जीरो नहीं ले सकते तो क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन तो टेबल ये दे रखी है एक्स और वाई इसका ग्राफ भी बनाना है मैं एक मिनट का पहले टेबल तो करके रखो सभी बच्चे कंप्लीट देखना इधर खाली बॉटल भी रखी थी बोरी देना भी टेबल चेयर करनी चाहिए
उसको गैप को फुलफिल करो ना. दोस्त दोस्त के काम आना चाहिए. देखिए वन हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है. और वन अपॉन टू का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा माइनस 0.5. 1.5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1.6 माइनस 2.5. और इसका रेसिप्रोकल माइनस 1. इसका रेसिप्रोकल माइनस 2. माइनस 2 माइनस 4 इस तरह माइनस 2 होगा ना. 5 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा? 4 2 बाय 5 4 होगा ना. 100 बाय 5 होगा. 4 कैसे और इसका रेसिप्रोकल पॉइंट हटाते हैं ऊपर से ऊपर जाएगा. अच्छा सही 2/3 और इसका रेसिप्रोकल 0.5. ठीक है तो फिर इसको भी 1/2 लिखना ना. किसको 0.5 सर 2/3 से भी आ रहा है इसी का कर देते हैं. 0.16 लिखो ना इसको. 0.16 तो 1.5 सर 0.16 ही है. 0.61 तो सारा मतलब पॉइंट्स में या प्रॉपर वैल्यूज में आ गई. अब इसका टेबल बनाना है, वो सॉरी ग्राफ बनाना है. इन्होंने बोला है कंप्यूटर टेबल गिवन मिले ग्राफ बनाने के लिए. बस ये बोला टेबल ही हमको कंप्लीट करनी थी. और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इसका आपको डोमेन और रेंज बनाना है. डोमेन और रेंज function.
एक्सोनॉमिक मास इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन. इट इज डिफाइंड एज mod x is equal to minus x when x is less than 0 or plus star x when x is greater than equal to 0. तो mod x की definition जो हम पहले भी बता रखी है ना, वो mod x की definition होती है. अब हमें क्या करना है कि हम जो ये ग्राफ्स देख रहे हैं और ये जो कुछ फंक्शंस देख रहे हैं उनके ग्राफ्स देख रहे हैं, ग्राफ्स कैसे बनेंगे. तो एक काम करिएगा, इसमें भी पहले एक टेबल बना लो, टेबल बनाकर फिर ग्राफ बन जाएगा. ये जो बनेगा ये वाई बोल दो इसको या एफ एक्स बोल, एफ एक्स वही हम वाई बोलते हैं. तो क्या करेंगे, वाले बता दें क्लियर है कि नहीं. यहाँ तक बताओ भाई. यस ठीक है. तो ये सारी वैल्यूज हो गई और इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है और रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नंबर डिलीवर करता है. तो आप ये देखिए रिजल्ट क्या है, वाई की वैल्यू, ये सारे के सारे क्या आ गए, सब पॉजिटिव वैल्यूज आ गए. ठीक है. अब इसके बाद देखिएगा ये हमारे पास टेबल आ गई. अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाना बेहद आसान है, वही वैल्यूज ले लेनी है. इधर वाई हो गया, इधर एक्स हो गया और इधर एक्स डैश हो गया, ये हो गया वाई डैश. अब देखिएगा ये उनके नीचे वाली साइड जो है नेगेटिव साइड छोटी, इस वजह से बनाइए क्योंकि वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, मुझे नेगेटिव वैल्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं. जीरो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री. वाई की वैल्यूज वन टू थ्री, जब एक्स माइनस थ्री है तो वाई थ्री, जब एक्स माइनस थ्री है तो वाई थ्री, डॉट लगा दीजिए. एक्स माइनस टू है तो वाई टू, जब एक्स माइनस वन है तो वाई प्लस वन, एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो, जब एक्स वन है तो वाई भी वन, जब एक्स टू है तो वाई भी टू, और जब एक्स थ्री है तो वाई भी थ्री. तो अब आप ये देखिएगा कि अगर स्केल से देखा जाए ना तो ये स्केल से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये बन गई. और अगर स्केल से ज्वाइन करा जाए तो इस तरह भी ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मतलब ये तीनों डॉट्स को ज्वाइन करती हुई चली जाएगी. तो जो ग्राफ बनता है कभी भी मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो बनता है हमेशा एक वी शेप्ड ग्राफ. ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया. इसके बाद
दूसरा आता है हमारा सिग्नम फंक्शन, सिक्स्थ है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड एज, सिग्नम फंक्शन इन आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है इसकी, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं कुछ नहीं, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है इसमें। क्या कि अगर हमारा एक्स जो है वो पॉजिटिव है यानी कि जीरो से बड़ा है तो उसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू बन आती है, अगर ये जीरो के बराबर है तो उसकी वैल्यू जीरो, अगर एक्स जीरो से छोटा है तो उसकी वैल्यू माइनस वन। तो फिक्स ग्राफ बन जाएगा एक, ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, इधर बना क्लास में जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ओके।